सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग राजस्थान के खनिजों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के प्रमुख खनिजों में हम लोगों ने रॉक फॉस्फेट के बारे में अध्ययन किया, अभ्रक के बारे में अध्ययन किया और संगमरमर के बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एक नए खनिज के बारे में और अध्ययन करेंगे। उस खनिज का नाम है गियापत। राजस्थान में बात करते हैं गियापत्थर। गियापत्थर को अंग्रेजी भाषा में सोप स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोप स्टोन के रूप में भी घिया पत्थर को मुख्य रूप से जाना जाता है। इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन या सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं तो यह भीलवाड़ा जिले में। उसके बाद में दूसरी बात, इसमें राजस्थान राज्य का एकाधिकार, राजस्थान का एकाधिकार वाला भी खनिज है। राजस्थान का एकाधिकार वाला भी खनिज मुख्य रूप से गियापत्थर माना जाता है। उसके बाद इसकी उपयोग की बात करें कि सॉप स्टोन का हम कहां कहां पर उपयोग कर सकते हैं तो सबसे पहले प्रसादन सामग्री है। प्रसादन सामग्री जो मेकअप का जो सामान होता है उनमें मुख्य रूप से सॉप स्टोन का उपयोग करते हैं। उसके बाद कागज बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। कहीं न कहीं रबड़ निर्माण में भी सब सॉप स्टोन का उपयोग करते हैं। उसके बाद खिलौने बनाने में, कलर बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद में साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद विद्युत के जो सामान हैं उनका भी निर्माण करने में या उपयोग करने में घिया पत्थर मुख्य रूप से उपयोगी होता है। यह पत्थर को सोपस्टोन कहते हैं। सर्वाधिक कहाँ होता है? भीलवाड़ा। राजस्थान का एकाधिकार लगभग 90% जो है यह पत्थर वो कहाँ होता है? राजस्थान में। और उपयोग की बात करते हैं प्रसाद सामग्री कागज में, रबड़ बनाने में, खिलौने, रंग, साबुन और विद्युत उपकरण बनाने में मुख्य रूप से घिया पत्थर का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं कि राजस्थान में किन किन जिलों में मुख्य रूप से घिया पत्थर का उत्पादन किया जाता है। पहले बात करते हैं हम भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में कहां कहां पर सोप स्टोन का या घिया पत्थर का मुख्य रूप से उत्पादन होता है? एक होता है चांदपुरा, चांदपुरा क्षेत्र, और एक आएगा गेवरिया क्षेत्र। चांदपुरा और गेवरिया क्षेत्र में जो भीलवाड़ा क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से घिया पत्थर उत्पादित किया जाता है। भीलवाड़ा के बाद में दूसरा जिला आता है आपका दौसा। दौसा जिले में कहां पर घिया पत्थर उत्पादित किया जाता है? एक होता है डाकोता झरना, डाकोता झरना, और एक आता है गीजगढ़। कौन सा आएगा? गीजगढ़ क्षेत्र में भी मुख्य रूप से सॉप स्टोन खनन कार्य किया जाता है। उसके बाद आता है उदयपुर,
उदयपुर में आता है देवपुरा, जो सबसे बड़ी सॉफ्ट स्टोन की खान मानी जाती है उदयपुर की देवपुरा। इसके अलावा सालोज, सालोज नाथरा की पांव, नाथरा पांव सालोज, नाथरा पांव देवपुरा, जाडोल, जाडोल देवला आदि क्षेत्रों में सॉफ्ट स्टोन उत्पादित किया जाता है। उसका चित्तौड़गढ़ में भी है। चित्तौड़गढ़ के जो चंदेरिया क्षेत्र है इनमें उसे सॉफ्ट स्टोन उत्पादित किया जाता है। उसके बाद राजसमंद, राजसमंद जिले में रापचा, संगल, रापचा, संगल और फलोरा इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से गया पत्थर या सॉफ्ट स्टोन उत्पादित किया जाता है। और लास्ट आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर में देवल क्षेत्र, थाना पिंपोडा, थाना पिंपलोडा, पंचपुर, अकोल, अकोल पंचपुर आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से यह पत्थर उत्पादित किया जाता है। इनको हम मानचित्र के अनुसार देखें, आप जैसे यह आपका एक राजस्थान का से मानचित्र है। इस राजस्थान के मानचित्र में भीलवाड़ा, यह क्या आपका भीलवाड़ा क्षेत्र, उसके बाद में दौसा, यह आ जाता है आपका दौसा क्षेत्र, उसके बाद उदयपुर, उदयपुर क्षेत्र, उसके बाद में चित्तौड़गढ़, उसके बाद राजसमंद, यहाँ जाइए आप राजसमंद, उसके बाद डूंगरपुर, यहाँ क्या आपको यानी कह सकते हैं लगभग दक्षिणी राजस्थान में सॉफ्ट स्टोन या गया पत्थर सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। आज अपन ने पढ़ा गया पत्थर के बारे में, इसको सॉफ्ट स्टोन रूप में जानते हैं। सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा जिले में राजस्थान का एक अधिकार है। उपयोग कागज बनाने में या खिलौने बनाने में, साबुन बनाने में, विद्युत सामान या प्रसाधन सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है। और उत्पादक क्षेत्र में भीलवाड़ा, दौसा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद जिले के कुछ क्षेत्रों में मुख्य रूप से सॉफ्ट स्टोन या गया पत्थर उत्पादित किया जाता है। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।